सो गाइस, वीडियो की बात करने से पहले हमारे पास एक 6 स्टार का क्रिस्टल बन चुका है जो कि मैंने खून पसीने की मेहनत से इसको बनाया है। तो चलते हैं, इसको खोल के एक बार देख लेते हैं। पहले टोना टोटका कर लेते हैं। यार आजकल देख रहा हूँ मैं, टोना टोटका करके सब 6 स्टार खोल रहे हैं मस्त। फोरम पे पोस्ट पड़ी हुई हैं ढेर सारी, उनको धूम मिला हुआ है, टॉर्च मिला हुआ है और भी पता नहीं क्या क्या मस्त मस्त चैम मिल रहे हैं, कॉस्मिक को स्ट्राइडर मिल रहा है। तो हमने कहा कि क्यों ना गाइस हम भी आज टोटका करके खोलें और क्रिस्टल को ऑटोमेटिकली घूमने दें, क्योंकि जब भी मैं टैप करता हूँ ना तो मुझे झंडू चैम मिल जाते हैं। और यहाँ पे काफ़ी सारे चैम्प है यार, मतलब एपोक्लिप्स है, डोमिनो है, प्रोफेसर एक्स है और गिलिटीन है, थिंग है, इनमें से कोई भी मिल जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। पर देखते हैं ये रुकता किस पे है। A few moments later. और रुक रहा है गाइस ये, और हमको मिला है यहाँ पे मून नाइट। तो मतलब टुटका उटका से कुछ नहीं होता है, देख सकते हैं हम टुटका वुटका करके खोल लेते हैं। यहाँ पे मून नाइट पल्ले पड़ गया अब हमारे, अब इसका का चाटा दूँ मैं। तो ये तो हो गई हमारी क्रिस्टल ओपनिंग। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट पे जो कि है हमारा अलायंस क्वेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे हमारा अलायंस क्वेस्ट जो है कैंसिल हो गया है 18 अप्रैल तक के लिए बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल इशू। मतलब यार कबाम के गेम का फीचर हो गया है अब कि हर अपडेट में ना एक बग देना ज़रूरी है जिससे कि मतलब कंपनसेशन मिलता रहे लोगों को कि हमारे बारे में कितना सोचते हैं यार ये लोग। तो वो तो हमको देखना पड़ेगा जब भी कंपनसेशन हमारा आएगा। अलायंस टिकट्स के साथ क्या कंपनसेशन आता है ये तो तभी पता चल पाएगा। अब कुछ लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नेक्सस क्रिस्टल होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अब भाई इसके बारे में तो कुछ कहा नहीं सकता, कबाम कब क्या दे दें, क्या होता लेवल 2 का रिवाइव देकर निपटा दे। सो गाइस अलायंस क्वेस्ट के लिए तो करना पड़ेगा वेट। पर गाइस एक अच्छी न्यूज़ भी है कि जो हमारा ग्लोरी बफ था वो आ चुका है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं ये है हमारा ओल्ड ग्लोरी स्टोर का स्क्रीनशॉट। तो यहाँ पे पहले 5% टीयर 5 क्लास कैटलिस्ट फ्रेगमेंट क्रिस्टल मिलता था हमको 2700 का, T5B मिलता था 6750 और टीयर 2 अल्फा कैटलिस्ट फ्रेगमेंट्स मिलते थे अबाउट 10800। तो अब चलते हैं और अपना लेटेस्ट ग्लोरी स्टोर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस है यहाँ पे हमारे T5 क्लास कैटलिस्ट फ्रेगमेंट क्रिस्टल्स में, तो जो कि हमको मिलता था 2700 का, अब वो हमको मिल रहा है यहाँ पे 1500 का। तो T5B में कोई डिफरेंस नहीं है थ्रोन ब्रेकर्स प्लेयर्स के लिए, पर जो भी अनकलेक्टेड या कैवलियर हैं उनके लिए 10% से 15% इंक्रीज़ कर दिया गया है। तो यहाँ पे T2 अल्फ़ा भी इंक्रीज़ कर दिया गया है, पहले 10,800 समथिंग मिलता था और अब हो चुका है वो 18,000। तो भाई अगर तुम अभी अनकलेक्टेड या कैवलियर हो तो T2 अल्फ़ा को 30% से 40% कर दिया गया है तुम्हारे लिए और T5B को 10 से 15 कर दिया गया है। बस यही दो चेंजेस हुए हैं अनकलेक्टेड और कैवलियर प्लेयर्स के लिए। बाकी प्री अनकलेक्टेड प्लेयर्स के लिए ग्रेटर ग्लोरी क्रिस्टल्स को हटा के वहाँ पे T4CC क्रिस्टल रख दिया गया है जिसकी प्राइस है 350 ग्लोरीज पर परचेज, प्लस T2 अल्फ़ा को यहाँ पे 5% से 10% कर दिया गया है उनके लिए। सो गाइस ये था हमारा आज का ग्लोरी स्टोर बफ। अगर तुमने ग्लोरी होल्ड करी है तो अच्छी बात है, अब जाके परचेज़ कर सकते हो और फ़ायदा उठा सकते हो काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे। और बाकी यार बात करें अगर सोलो ऑब्जेक्टिव्स की, तो अब से जो सोलो ऑब्जेक्टिव्स की वीडियो आएंगी उनमें मैं वॉइस नहीं दूंगा, क्योंकि यार 1 मिनट की वीडियो में वॉइस देने का कोई मतलब नहीं रहता है। और इसीलिए जो अब सोलो ऑब्जेक्टिव की वीडियो मैं पोस्ट करूँगा उनमें वॉइस नहीं रहेगी। और यार अगर तुमको कोई अल्टरनेटिव चाहिए, मतलब तुमको बहुत ज़्यादा चुलमची रहती है सबसे पहले टारगेट्स खोजने की, तो तुम फॉलो कर सकते हो फेसबुक पे, एक पेज है MCOC ट्रूकोज करके, वहाँ पे काफ़ी जल्दी वो पोस्ट कर देते हैं टारगेट्स को। और बाकी अगर वेट कर सकते हो तो मेरी वीडियोस तो आएंगी ही। सो गाइस ये था हमारे ग्लोरी स्टोर का ओवरव्यू। आपको कैसा लगा ये अपडेट आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे। और जो हमारे अल्ट्रा लेजेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं मारा है, तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए एक बार मार दीजिए, क्यों कष्ट हो रहा है आपको। बाकी देख सकते हो मैं भी यहाँ ग्लोरी सेव करके बैठा हुआ हूँ, तो अब मैं जा रहा हूँ ग्लोरी से कुछ खरीदने। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।